कि कल 14/3 को आप जानते हैं कि मैदान डेयरी थाना बैतपुरा आदर भाई ढाबा में एक युवती का शव मिला था, जिसके परिदृश्य में जब पुलिस ने काफ़ी छानबीन किया तो लड़की की पहचान हो गई थी। ANM प्रथम वर्ष की छात्रा थी वो, और उधर कोट अवरैया की मूल निवासी थी। था वहाँ से ही उसके किसी एक पड़ोसी, बहुत ही पड़ोसी मतलब बहुत ही नज़दीकी पड़ोसी से उसके पति से प्रेम की बात संज्ञान में आई थी, जिसके आधार पर वो प्रेमी उनसे नाराज होकर के उस पर जो है जानलेवा उस पर हमला किया और उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसे औरैया SOG टीम और हमारी SOG टीम सर्विलांस की टीम लगी हुई थी उसमें पूरी, और रातों रात उसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके पास एक तमंचा भी था, बाकी जो भी चीज़ें बरामद हुई उसका जिससे उसने घटना किया था वो चीज़ बरामद हो गई, गाड़ी बरामद हो गई, सारी चीज़ बरामद हो गई थी। लेकिन उसने बताया था कि मैं भागते समय अपने तमंचे को फेंक दिया था। तो मोहला रोड पर जहाँ वो तमंचा छुपाया जाना बताया जाता है, जब पुलिस उसको ले जा रही थी तो वो पुलिस को जैसे ही तमंचे के पास पहुँचा पुलिस पर तमंचा लेकर के फायर करने लगा, जिस पर काउंटर फायर के रूप में पुलिस ने उस पर फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी है, जो कि आप देख रहे हैं कि जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया है। एक शातिर बदमाश है, इसको जो है इस पर NSA की कार्रवाई भी मेरे द्वारा प्रचलित की जाएगी। और साथ ही साथ ये बता दूं कि जो भी हमारे फॉरेंसिक टीम थी सारे तथ्यों पर सारे पहलुओं पर निरीक्षण परीक्षण करके जो है सारे तथ्य और सारे साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको सजा भी कराई जाए, इस पर NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ मुलजिम को जो है 24 घंटे के अंदर एक मुठभेड़ में पकड़ा भी गया है, साथ ही साथ बरामद सब कुछ कर लिया गया है, और एक जो सटीक कार्रवाई होती है पुलिस के द्वारा की गई है। फिर किस बात की नाराजगी थी जिससे हत्या को अंजाम दिया? इसे आशंका थी कि जो ये आशंका थी इसके दिमाग में कि इसका जो है किसी और से भी बात करती है, जिसके आधार पर इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जैसा कि आपके सामने स्वीकार भी किया। इसमें नाम जम गई थी कि जबरन ले जाएंगे? नहीं, अब इसके अपने ये बता रहा है कि मैं उसको बुला करके जो अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया था, हमारी हार्ट अटैक हो गई बीच में, जिसकी वजह से फिर हमने जो है घटना को अंजाम दिया। एक नामजद एक अज्ञात दिखाया गया है, अभी उन लोगों के क्या? नहीं, मुकदमे में 3 लोग मुलजिम बनाए गए हैं, 2 नामजद हैं, 1 अज्ञात है, जिसमें एक अज्ञात को भी गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक जो इसका रिश्तेदार बताया जाता है। साथ ही साथ ये जो मुख्य अभियुक्त था यही महेंद्र, इसको पुलिस ने मुठभेड़ भी हुई है। साथ ही साथ से जो SOG सर्विलांस की टीम हमारी औरैया और इटावा की पुलिस से संयुक्त रूप से अभियान चला के इसे टीम की द्वारा गिरफ्तार किया। एक और अज्ञात गिरफ्तार हुआ, उसकी क्या संलिप्तता है इस मामले में? उसने जो भी इसकी जाँच की जा रही है, साथ ही साथ इसमें उसने स्वीकार किया है कि जो लोगों ने छुपाने में तथा इसके मोटिवेट करने में इस घटना को इसको कहीं ना कहीं से इसको सहयोग किया था। घटना के बाद एक निजी अस्पताल ले जाया गया, तो कौन सा अस्पताल था? अब इसके बारे में कोई अभी जांच की जा रही है, जो तफ्तीश में बात आएगी उसको बताएगी।